उत्तर प्रदेश के अयोध्या उच्च न्यायालय में याचिका करने व न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में नगर निकाय चुनाव सर पर है। सभी 60 वार्डों में कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रही है, परंतु झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 की कमी अविश्वसनीय है। इसी वार्ड में पार्षद पद के उम्मीदवार अभिनव पांडे पिछले काफी दिनों से परिसीमन अंतर्गत क्षेत्र में चुनाव तैयारी कर रहे हैं, परंतु अब प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट जारी हुई तो परिसीमन व वोटर लिस्ट में आपस में कोई तालमेल ही नहीं मिला। सीधे 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग दो मोहल्ला झूलेलाल नगर वार्ड में गायब मिला। यह क्षेत्र विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में जुड़ा मिला, जो कि विवेकानंद वार्ड के परिसीमन में है ही नहीं, जिसकी जानकारी वनिस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 2 बार जिलाधिकारी को अभिनव पांडे द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 में एक छोटी मोटी नहीं इतनी बड़ी खामी पकड़ में आई थी, जो अविश्वसनीय थी। शासन द्वारा जो सीमांकन किया गया था, उस सीमांकन के अंतर्गत हम लोग 6 महीने से लगे थे चुनाव में। हम लोग एकदम जनता के बीच थे, जो भी काम प्रसाद उनके थे, पार्षद वर्तमान पार्षद के थे, वो हम लोगों ने किए हैं, ये वहाँ की जनता विधिवत जानती है। लेकिन हुआ क्या, जब सीमांकन तो शासन द्वारा किया गया, मैंने अपने पार्षद किया नहीं, लेकिन जब वोटर लिस्ट आई तो सीमांकन और वोटर लिस्ट का आपस में दूर दूर तक कोई तालमेल ही नहीं था। लगभग 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग सीधे 2-2.5 मोहल्ले ही गायब कर दिए गए थे। सामने वाले वार्ड विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। हमको कोई विशेष मांग नहीं, मांग सिर्फ इतनी है, जो शासन प्रशासन ने स्वयं सीमांकन किया, उस सीमांकन अंतर्गत व्यवस्थित करके और जो है नई वोटर लिस्ट जारी की जाए। राजस्थान के बारा छिपाप डॉट सनातन धर्म जन जागृति संस्था द्वारा लंबे समय से कोटा संभाग में चलाए जा रहे महाआरती अभियान, प्रत्येक मंदिरों और आश्रमों पर हिंदुओं में धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को कायम रखने के लिए मंदिरों और आश्रमों पर महाआरतियों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को धर्म की ओर अग्रसर करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं को धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी जानकारियां दी जा रही हैं। सनातन धर्म जनजागृति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि सनातन धर्म जनजागृति संस्था छिपाप डॉट से लेकर संपूर्ण राजस्थान में धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर मंदिरों और आश्रमों पर महाआरतियों का आयोजन करवाया जा रहा है। लाबरों ने बीबीए के छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिनदहाड़े हुए हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं घटना की जांच पड़ताल के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर बाइक पर हेलमेट लगाकर आए थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। उधर मृतक छात्र के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, तो उधर युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल बिजनौर के कस्बा झालू क्षेत्र के मोहल्ला पीर जादमगान निवासी सरवर अली का पुत्र शामिक शहर स्थित एक निजी कॉलेज में बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। बिजनौर मुरादाबाद हाईवे पर स्थित कॉलेज के पास एक होटल से छात्र एक लड़की के साथ बाहर निकला कि तभी अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने छात्र को गोली मार दी। ये आज लगभग 4:45 बजे नूरपुर रोड पर कृष्णा कॉलेज है, उसके सामने एक होटल है, वहाँ से ये दो लोग निकले, एक लड़का और लड़की। इसमें से अज्ञात दो लड़कों ने, जैसा कि इनका बताना है, कि आए और लड़के को गोली मार दी है। तत्काल उनको ले आया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारी टीमें सक्रिय हो गई हैं, लगातार लगी हुई हैं, शीघ्र इसका अनावरण करेंगे सही और अभियुक्तों को। क्या ये सर छात्र है, किसी कॉलेज वॉलेज का पढ़ने वाला है? हाँ, बताया जा रहा है कृष्णा कॉलेज में बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। तो प्रथम दृष्टा कुछ क्या लग रहा है सर? कुछ नहीं, अभी टीमें निकली हुई हैं। बुलंदशहर में गली में खड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बबलू के परिजनों ने सड़क पर शव रख कर लगाया जाम। कल देर शाम बाइक सवार 3 हमलावरों ने बबलू को मारी थी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी बबलू की मौत। उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर लगाया गया जाम। मोहल्ला पाठक में किरण टॉकीज के सामने परिजनों द्वारा लगाया गया जाम। SDM व CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद।
प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। हगीराबाद थाना क्षेत्र के पाठक मोहल्ले में हुई वारदात। समय लगभग 5:30 के करीब कस्बा जहांगीराबाद में न्यू पाठक मोहल्ला में पुराने टॉकीज के सामने एक 22 वर्षीय बबलू नामक व्यक्ति को बाइक से सवार कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। ये जांच से पता चला है कि ये इनकी पुरानी रंजिश का मामला है। बबलू को बुलंदशहर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। FIR पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री SP सिंह बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज साक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे कि मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही पड़ा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा का डर है। वर्ष मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें BSP और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7-12 बसपा और 12-17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से। गौतम बुद्ध नगर नोएडा थाना फेज 2 के सुनीराम शर्मा पुत्र प्रिंस शर्मा निवासी नगला का विवाह लगभग 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निधि शर्मा से हुआ, परंतु विवाह के लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद घर की छोटी छोटी बातें, जैसे कि प्रिंस की पत्नी निधि शर्मा द्वारा ससुराल के घर से अलग रहने की बात कही, जिसको लेकर प्रिंस के माता पिता ने मकान के ऊपर बने कमरों में बेटा बहू को शिफ्ट कराया, परंतु पति पत्नी की बढ़ती समस्याओं को लेकर कई बार पंचायतों ने भी मामला सुलझाया, फिर भी समस्याएं बढ़ती गईं। यहां तक कि आज दोनों के बीच गृह कलेश के चलते एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसको लेकर सुनीराम पुत्र प्रिंस शर्मा ने अपनी पत्नी निधि शर्मा को अपने परिवार के साथ दोनों ओर से किसी भी कानूनी कार्रवाई को न लेकर अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहना चाहता है। मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है, मैं नंगला गाँव का निवासी हूँ और मेरा थाना फेज 2 पड़ता है। अच्छा, तो क्या मामला है आपका, बताएं। जी, मामला मेरा ये है कि मेरी शादी 2017 में नवंबर के महीने में हुई थी निधि शर्मा से। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद से थोड़े थोड़े परेशानी जैसे होती थी हमारी आपस में, जैसे हर परिवार में होती है, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी में उसके घर वाले आ जाते थे। अच्छा अच्छा। और हमें फिर उल्टा सीधा कहा जाता था। अच्छा। हमने फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि चलो कोई बात नहीं, आगे सब बात बन जाएगी। उसके बाद 26/3 को लड़की हुई हमारी, जिसका नाम नैना शर्मा है। अच्छा, क्या साल बाद, मतलब शादी के 1.5 साल बाद। जी, मैं तो चाहता हूँ कि वो रहे, लेकिन ये है कि वो कुछ करे ना उल्टा सीधा, या फिर मेरे परिवार को ना फंसाए। तो जैसे ही आपके साथ हुआ, आपने अपने थाने की सूचना दी इस बारे में, कोई तहरीर दी लिख के इस तरीके का मामला हो रहा? जी, थाने में तहरीर तो नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जो पंचायत हुई थी 5-6 महीने बाद, उसके चलते में उन्होंने फिर उसमें फिर केस चालू हो गए फिर हम दोनों के बीच में। अच्छा, दोनों के बीच में केस चल रहा है। दोनों के बीच में केस चालू हो गए। सहारनपुर में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जो न्यायोचित मांग है उनको पूरा किया जाए, जो कर्मचारी संविदा पर हैं उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में भी, जब सब लोग घर के अंदर प्रतिबंधित थे, तब भी कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 28 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो
27 अक्टूबर 2022 को ऊर्जा निगमों में व्याप्त भयका वातावरण को समाप्त करने एवं ऊर्जा निगमों में जो आर्थिक क्षति हो रही है उसको रोकने तथा विभिन्न 15 सूत्री मांगों के समाधान करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन को नोटिस दिया गया था, परंतु विगत 25 दिन व्यतीत होने के उपरांत भी किसी भी प्रकार का अभी कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इसके लिए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जनजागरण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 3 नवंबर से लगातार बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से प्रारंभ होकर मिर्ज़ापुर होते हुए अनपरा ओबरा पिपरी से होते हुए इलाहाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, उसके बाद कानपुर, कैस्को, झांसी, परीक्षा, हरिद्वारगंज, अलीगढ़ होते हुए कल मेरठ में हुआ, आज ये सहारनपुर में है। हमारी मुख्य 15 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा मुख्य मांग है कि जो हमारे ऊर्जा निगमों के शीर्ष पदों जो होते हैं, चेयरमैन, MD और डायरेक्टर, उनमें नियमाचार चयन की एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार चयन किया जाए। अभी वर्तमान में MD और चेयरमैन के जो चयन हुए हैं वो पूरी तरीके से अवैध नियुक्त हैं, इनको हटाते हुए नियमानुसार चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इनका चयन किया जाए। 3 पदोन्नति पद के वेतनमान जो 2009 से पूर्व मिलते थे, जो अभी रोक रखे हैं, उनकी हमारी मांग है कि उनको 3 पदोन्नति के वेतनमान तुरंत बहाल किए जाएँ। संविदा कर्मचारी हमारे 70,000 की तादाद में हैं, उनको नियमित सरकार करे, तेलंगाना सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी नियमित करे, ये हमारी मांग है। उसके बाद बिजली कर्मचारी, अभियंताओं और अभियंताओं को आप सभी लोग देखते हैं फील्ड में कार्य करते हुए मारपीट की घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन सभी को रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी सुरक्षा कानून का एक मसौदा 2018 से बना हुआ है। DB भारती समाचार की खबर का हुआ बड़ा असर, खबर प्रकाशित तो होते ही प्रशासन हरकत में आया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष कमल चुक की कार सीज कर धारा 420 में मुकदमा दर्ज। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एवं विधायकों ने अपना पल्ला झाड़ा। भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा हमारे संवाददाता को फोन कर दी गई जानकारी के अनुसार कमल चुग को नोटिस दे दिया गया है कि पास कहां से और किस तरह लगाया गया और किसकी अनुमति से लगाया गया। हमारे संवाददाता ने कमल चुग से स्पष्टीकरण मांगना चाहा तो उन्होंने फ़ोन पर यह कह दिया कि मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करता हूं, परंतु दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया। आज SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी पत्रकारों को दी पुलिस को कि एक गाड़ी है XUV जिस पर एक विधायक विधानसभा सचिवालय का पास उत्तर प्रदेश लखनऊ से इशू है, वो पास उसमें लग के घूम रहा है। गाड़ी की जांच की गई तो पता चला गया कि वो विधायक की गाड़ी नहीं है, वो कमल चुक नाम के व्यक्ति की गाड़ी है और विधायक नहीं है। उस गाड़ी को जब्त किया गया और अभी पास को भेज दिया गया है जांच के लिए कि जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं कि वो जाली पास कैसे लगा के घूम रहा था, उसके अनुसार इस पर कार्रवाई हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका DB भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सहारनपुर में एक बार फिर पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। जमीन को लेकर चल रहे एक विवाद में पहुंची थाना कुतुबशेर की मानक में चौकी पुलिस ने पीड़ित पक्ष के साथ बुरी तरह से मारपीट की। पिटाई इतनी की गई कि एक युवक की हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस पूरे मामले में SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जांच बैठा दी है। गांव खत्रीवाला के रहने वाले प्रवीण को लेकर उसके परिजन बुधवार को SSP विपिन ताड़ा के पास पहुंचे। प्रवीण की पत्नी, पिता तथा एक अन्य पीड़ित ने आपबीती सुनाई तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनका जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है। इस मामले में मानक मऊ के चौकी इंचार्ज अन्य पुलिस बल को लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। प्रवीण को इतना पीटा कि उसे 24 घंटे के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़का मेरा क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ जो ना खेत पता हो दो जी पुलिस टाइल आई उसे कुतुब से, इसके क्या नाम है, मानव चौकी की दरोगा ठहला, वहाँ 2-4 मारे, फिर चौकी में जाकर पता नहीं क्या करा उसके लिए, क्या नहीं बहुत मारा उसे, बेहोश हो गया, फिर सब समय ठह ले गया उसे। चौकी में गए हम, फिर क्या नाम वहाँ सब 1 घंटे बाद पता चला, अगर भाई उसे शख्स में ले गए, पहले हम पूछोगे कहाँ कहाँ नहीं। अच्छा जी, फिर यहाँ आए, फिर उन्होंने इलाज कराया, बेहोशी मत आओ बहुत, फिर इस वजह से कोई 4 बजे करीब होश आई तड़क में, फिर दरोगा ने छुट्टी कराई दी थी हमें। हैं जी, अब कहाँ पर हो आप? हम जी, हम तो फिर माजर हैं जी, फिलहाल SSP के यहाँ से, हमें SSP के यहाँ से।
आज ये व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी, प्रवीण इनका नाम है, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि दो दिन पहले मानक मोह चौकी में उनको लेके गया गया और उनके साथ मारपीट की गई, ऐसी इनके द्वारा सूचना दी गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें अपना मेडिकल कराना है, तो कुतुब शेर पुलिस उनको जिला अस्पताल लेके गई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जो तथ्य निकल के आते हैं और मेरे द्वारा इसमें जाँच भी की जा रही है, जो तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर विवाद क्या रहा था सर? अभी वो जांच का विषय है, प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि किसी जमीन का विवाद है जिसको लेकर पुलिस वहाँ पे गई थी। क्या वो पुलिस उनको चौकी पे लेकर आई थी या नहीं लेकर आई थी, या फिर उनके साथ मारपीट हुई है, सब जांच का विषय है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, इसी चीज़ की जाँच हो रही है। मेडिकल में जो तथ्य निकल के आते हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, और अगर हुई है तो उन्होंने किसने उनके साथ मारपीट करी है, ये जाँच में निकल के आएगा, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।